हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली यानी इंटरनेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 10,750 किलोमीटर सर्किट पारेषण लाइन और सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़ने की यानी उनके क्षमता में वृद्धि की जानी है। इतना ही नहीं, इस योजना के पूरा होने पर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे 7 राज्यों में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली परियोजना से इन्हें लाभ मिलेगा। वहीं इस योजना का मकसद 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी प्राप्त करना है। आखिर इस योजना से अतिरिक्त लाभ क्या होंगे, आइए जानते हैं। इस योजना के पूरा होने से भारत को लंबे समय के लिए ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र को सरल बनाने में भी मदद मिलेगी। और इतना ही नहीं, इस योजना के पूर्ण होने से बिजली से जुड़े क्षेत्र या कहलें सिस्टम में कुशल और अकुशल दोनों तरह के कामगारों के लिए एक बड़े स्तर पर रोजगार पैदा हो सकेंगे। आपको बता दें कि इस योजना को 12,031 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा, जिसमें केंद्र की वित्तीय सहायता इस परियोजना के 33% के बराबर यानी 3,970 करोड़ रुपए के आसपास होगी। और इस योजना को वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 तक यानी 5 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।